तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लौकी के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जो हमारे भगत फार्म में यानी कि चार स्टेज में लौकी है, जहां अभी हम लोग नर्सरी रेडी होगी, हमारा 30 दिन का नर्सरी रेडी है लौकी का। और एक प्लॉट है जहां स्टेज में सेकेंड स्टेज में हमारा यानी कि लत्तर अभी आना चालू हो गया है, लत्तर आ रहा है जिसमें अब फल फूल यानी कि आना चालू हो गया है। और एक स्टेज है जहाँ पर हमारा फ्रूटिंग भी यानी कि आना चालू हो गया, जो हार्वेस्टिंग हो रहा अभी। और एक स्टेज लास्ट स्टेज जहाँ पर अभी समाप्त होने वाला है कद्दू का, केवल यानी कि फ्रूटिंग आ रहा है। तो पूरा फुल डिटेल देने वाला है लौकी का, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर देखिए। और हमारे इस भगत फार्म यूट्यूब चैनल में नए हैं तो हमारे इस भगत फार्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर लेट गेट स्ट्रेट इन ए वीडियो। नर्सरी है जो हमारा लौकी की नर्सरी है, 30 दिन का रेडी हो गया, जो प्लांटेशन अभी होने वाला है और प्लांटेशन आधा हो चुका है, देख सकते हैं दोस्तों। जो फर्स्ट स्टेज का हमारा लौकी देख सकते हैं, यहाँ पर ठंड में पॉसिबल है। आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी के बाद देख सकते हैं कितना अच्छा खासा हमारा नर्सरी रेडी है प्लांटेशन के लिए। जो फर्स्ट स्टेज का हमारा लौकी है दोस्तों, हमारा सेकेंड स्टेज का लौकी है जहाँ हमने इसमें 3G कटिंग भी कर दिया है लौकी का है, जो ट्रांसप्लांट किया गया था। और अभी हमारे 30-35 दिन का ये भी हो गया ट्रांसप्लांट के बाद, तो 3D कटिंग के बाद साइड ब्रांच निकल रहा है, साइड ब्रांच हमारा यानी कि फ्रूट भी आना चालू हो जाएगा कुछ दिन के बाद, हमारा फ्रूट भी आना चालू हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों हमारा कितना अच्छा खासा लत्तर आना चालू हो गया लौकी का, देख सकते हैं। और इसी के बीच में हमारा यानी कि खीरा भी है, तो खीरा में भी लत्तर आना चालू हो गया है, देख सकते हैं इतना अच्छा खासा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मेल फ्लावर भी आना चालू हो गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों बगल में पौधा में देख सकते हैं यहाँ पर फ्रूट भी लग चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं आज 26 जनवरी में देख सकते हैं 26 ठंड के बाद यहाँ पर कितना अच्छा खासा लत्तर चलना चालू हो गया दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर लौकी का है, जो थर्ड स्टेज में हमारा इसको रखते हैं, हमारा थर्ड स्टेज में देखा अभी हार्वेस्ट के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो गया लौकी, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ऑलमोस्ट मतलब हार्वेस्ट के लिए रेडी होने वाला है, ये आज हार्वेस्ट होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड स्टेज हमारा यानी कि फ्रूट भी हार्वेस्ट के लिए रेडी है। और इस साइड भी देख सकते हैं, लौकी का आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी भी देख सकते हैं ठंड के बाद भी इतना पॉसिबल एवरीथिंग। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों इस साइड हमारा यानी कि फ्रूट भी लगा हुआ है इस साइड, देख सकते हैं दोस्तों। और कहीं कहीं हमारा हार्वेस्ट के लिए यानी कि रेडी हो रहा है, देख सकते हैं ये हार्वेस्ट के लिए अगले यानी कि मार्केट तक हार्वेस्ट हो जाएगी ये वाला, देख सकते हैं। और इस साइड देखते हैं, इस साइड हमारा हार्वेस्ट के लिए रेडी हो गया है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हार्वेस्ट के लिए ऑलमोस्ट रेडी है, देख सकते हैं यहाँ पर। और इसे हमने यानी कि थर्ड स्टेज में रखा हुआ है जहाँ पर हार्वेस्टिंग के लिए यानी कि फ्रूट भी रेडी है। और इस साइड भी देख सकते हैं दोस्तों, इस साइड में कितना बेहतरीन हमारा लौकी पूरा रेडी है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर छोटा सा जगह में, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे थर्ड स्टेज का है जहाँ पर अभी हार्वेस्टिंग है, देख सकते हैं। इसी के जस्ट बगल में इस साइड हमारा यानी कि जहाँ लास्ट स्टेज में है, जहाँ फोर्थ स्टेज हम लोग रखे हैं, जहाँ पर ऑलमोस्ट मध्य एंड होने वाला ही है, मतलब कि इसमें छोटा छोटा यानी कि आ रहा है इसमें फ्रूटिंग, ये मतलब कि लास्ट स्टेज इसमें फ्रूटिंग से सब ख़त्म हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर सब ख़त्म होने वाला है यहाँ पर, इसको जैसे जैसे यानी प्लॉट खाली होने वाला है या फिर लास्ट स्टेज में है, कहीं कहीं मतलब एक आध दो फ्रूट ही लगा हुआ है, छोटा छोटा है, इसमें साइज इसका एकदम छोटा हो गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे भगत फार्म में यानी कि चार स्टेज में लौकी था, देख सकते हैं, जिसमें हम अभी हमने यानी कि आखिरी स्टेज हमारे इस लौकी के प्लॉट में है। और लौकी के फर्स्ट स्टेज हमारे देखा कि यानी कि लौकी के प्लॉट में जहाँ पर हमारा नर्सरी रेडी हो चुका है, जो हमारा प्लांटेशन के लिए रेडी है। और हमारे यानी कि सेकेंड स्टेज में देख सकते हैं दोस्तों हमारे पीछे है यहाँ पर हमारे लौकी का, जहाँ पर लत्तर आना चालू हो गया है, लत्तर आना चालू हो गया और फल फ्रूट आने वाला है, जिसे हमने 3G कटिंग कर दिया है। और थर्ड स्टेज देखा कि हमारा फ्रूटिंग अभी लौकी हार्वेस्टिंग के लिए यानी कि रेडी हो चुका है, जो हार्वेस्ट करने वाले हैं आज। और हमारा देखा लास्ट स्टेज में हमारा यानी कि फल फ्रूट यानी कि ख़त्म हो चुका है, जिसका अभी खेत खाली होने वाला है। लौकी फार्मिंग मेन समस्या आता है ठंड में स्पेशली, जहाँ पर 45 से 50 दिन में हमारा लौकी हार्वेस्टिंग सिंपल हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है, लेकिन ठंड के स्पेशली ठंड के दिन में हमारा जो लौकी का प्लांट है, जो हमारा यानी कि
45 से 50 दिन हमारा जो हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है, वही ठंड के दिन हमारा 60-70 दिन ले लेता है। थोड़ा सा यानी कि समय में थोड़ा डिले हो जाता है हमारा फल फ्रूट यानी कि हार्वेस्टिंग के लिए थोड़ा सा डिले हो जाता है, थोड़ा ग्रोथ में स्लो हो जाता है। और स्पेशली जब ठंड में फ्रूट है तो फ्रूट यानी फल हो चपटा हो जाता है कहीं कहीं, जिसके कारण अंदर खोखला हो जाता है, उसका फ्रूट अंदर खोखला हो जाता है। और कहीं कहीं हमने देखा कि फ्रूट भी यानी कि क्रैकिंग की शिकायत आ रहा था, जिसका जहाँ पर फल है जब फल फट जाता था कहीं कहीं। और कोई दिक्कत नहीं है लौकी के, और ठंड में यानी कि मार्केट में इसका लौकी कम दिखता है, जिससे हमारा यानी कि लौकी का अच्छा रेट मिल सकता है। इस वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, और हमारे इस भगत फार्म में नए हैं तो हमारे भगत फार्म को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।